इससे संक्रमण का खतरा बढ़ने का खतरा और बढ़ गया है भाई। ऐसे तो हम पहुंचे नहीं, 650 मरीज थे जब लॉकडाउन लगा था और आज 85,000 मरीज हो गए। तो 650 से 85,000 जब पहुंच गया आंकड़ा, तो ये ऐसे तो नहीं पहुंचा। कुछ ना कुछ हमारी मिस्टेक रही, हमारी पॉपुलेशन इतनी अधिक है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमारे आदतें कुछ ऐसे हैं। अच्छा, अब जो हालात हैं, अब जो स्थितियां बन रही हैं कि कोरोना की जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, जब तक इसकी प्रॉपर वैक्सीन ना आ जाए, दवाई ना आ जाए, तब तक कोरोना आपके हमारे बीच से नहीं जाने वाला है। तो अब करना क्या है, तो इसके साथ जीने की आदत डालनी है। इससे जो एहतियात है, जैसे घर से बाहर जब भी निकलिए मास्क लगा के निकलिए, ये आपके लिए है। घर से बाहर अगर आपके बच्चे भी निकल रहे हैं तो उनके चेहरे पे भी मास्क लगा लीजिए, रुमाल बांध दीजिए, गमछा सब बांध दीजिए, कुछ भी लपेट दीजिए। उससे क्या होगा कि 70% चांसेस है कि आपके नाक और मुंह से वायरस जाए आपके अंदर। अगर एक बच्चा संक्रमित हो गया तो उसकी इम्यूनिटी सबसे वीक होगी, अभी बच्चा है, और 60 साल से ऊपर का जो बुजुर्ग है, इन दोनों लोगों को तो खास एहतियात रखने की जरूरत है। वो अगर कहीं से प्रभावित हुआ तो अब समझिए बच्चे के साथ आपका पूरा परिवार आ जाएगा उसके चपेट में। आप सोचिए कि हमारे यहां पूरे आजमगढ़ में केवल 8 मरीज हमारे यहां मिले मुबारकपुर में, तो इतनी दुश्वारियां पड़ गई हम लोगों की। उसका खामियाजा हम अब तक भुगत रहे हैं कि और जगह छूट भी मिल गया, मुबारकपुर में छूट नहीं मिली। कम से कम अब हमारे यहां मरीज न बढ़े, इस बात के लिए हर एक व्यक्ति को इंश्योर होना है। आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है, या आपके परिवार में ही, आपके रिलेशन में, रिश्तेदारी में कोई बाहर से आता है, तो उससे कहिए कि भैया जाके मेडिकल करा लो, जांच करा लो अपना हॉस्पिटल, या अपने उसको साथ लेके चले जाइए। आप कुछ नहीं है, ज्यादातर लोग होम क्वारंटाइन हो रहे हैं। अगर वो बाहर से आया है तो खुद ही एहतियात रखे, वो बाहर घूम घूम के ना बैठे लोगों के बीच, वो अपने आप को रिजर्व कर ले भैया 10 दिन 15 दिन तक। उसके बाद अगर कुछ लक्षण है तो आएगा, बाहर नहीं है तो ठीक है, आप नॉर्मल हो तो नॉर्मल, कम से कम अपने परिवार के बीच तो हो, बीमारी लेके तो नहीं आए हो, अपने परिवार को बीमार तो नहीं कर रहे हो। तो इससे वो जो चेन है वो ब्रेक होगा, वो रुकेगा। दूसरी चीज की बाजार वाली बात बता ही दिया हूं। अगर खरीदारी करने सब्जी खरीदने जा रहे हैं, या एक आदमी